संकल्प पत्र जो है जारी कर दिया गया है। बता दें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल के मिंटो हॉल में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें मोदी की गारंटी, साथ ही भाजपा भरोसा जो यहां पर कहा गया है। एमपी में बता दें 17 नवंबर को मतदान है और बीजेपी ने अपनी अभी तक अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी नहीं किया था। आज जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया है। आपको बता दें मिशन मध्यप्रदेश को लेकर बीजेपी की मोदी की गारंटी और भाजपा का भरोसा, इस संकल्प पत्र को नाम दिया गया है। आपको बता दें मोदी की गारंटी में 2700 रुपए में गेहूं की खरीदी का यहां पर वादा किया गया है। संकल्प पत्र की प्रमुख बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जो बीजेपी के संकल्प पत्र में है। मिंटो हॉल में जो है जारी किया गया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है संकल्प पत्र जारी किया है। आपको बता दें इस दौरान जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद थे। विपक्षी दल कांग्रेस ने 17 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था। ऐसे में जो बीजेपी है काफी लेट थी और बात की जाए तो आज यानी कि 11 नवंबर को यानी वोटिंग के जस्ट एक हफ्ते पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। 1 लाख लाडली बहनों को मकान दिए जाएंगे। घोषणा पत्र की प्रमुख बातें आपको बता रहे, 3100 रुपए में धान खरीदी होगी, 2700 रुपए में गेहूं की खरीदी होगी, 6 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। ये प्रमुख बातें आपको बता रहे हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की, जो प्रमुख बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुछ क्या कुछ खास होने वाला है वो चीज आपको बता रहे हैं हम लोग। 1 लाख बहनों को 3100 रुपए में जो धान खरीदी की जाएगी, आपको बता दें सरकार की प्रमुख बातें, 2700 रुपए में गेहूं की खरीदी की जाएगी, 6 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, आपको बता दें ये प्रमुख जो बातें हैं। साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 मानक बोनस भी दिया जाएगा। एम्स की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज की सौगातें भी दी जाएंगी। तो 1 लाख लाडली बहनों को मकान देने का वादा किया गया है इस संकल्प पत्र में। साथ ही 3100 रुपए में धान खरीदी का वादा किया गया है, वहीं 2700 रुपए में गेहूं की खरीदी की जाएगी। आपको बता दें प्रमुख बातें जो है बता रहे हैं आपको, 6 नए एक्सप्रेस वे और इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। अनुराग, अगर बात की जाए तो बीजेपी का संकल्प पत्र जो है चुनाव के महज एक हफ्ते पहले जारी होता है, जिसमें 1 लाख बहनों को सौगातें देने की बात कही जा रही है, धान खरीदी 3100 रुपए में कही जा रही है, गेहूं 2700 रुपए में खरीदी की का वादा किया गया है। क्या कुछ संकल्प पत्र लगता है कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जो है 17 अक्टूबर को जारी किया था, बीजेपी उससे लेट है, क्या लग रहा है दोनों के वादों में? अनुराग, तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है जो तमाम कह रहे हैं, हम उनमें से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इस संकल्प पत्र के संदर्भ में। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि इस संकल्प पत्र को जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से इस संकल्प पत्र के संदर्भ में बातें हुई थी, लगभग वो वैसा ही है। ज्यादा फोकस जो हमने देखा वो महिलाओं, किसानों और युवाओं पे था। जैसे की देखे हमने देखा समर्थन सूर्य एमएसपी की बात करें वो जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बनाया गया, लेकिन उसके अलावा जो तमाम चीजें हैं हम उसके ही संदर्भ में आपको बता रहे हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस संकल्प पत्र का वो ये है कि इस संकल्प पत्र में जो महिलाओं के लिए अब पक्के घरों की बात की गई है लाडली बहना योजना के अंतर्गत, सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर इस पूरे संकल्प पत्र के संदर्भ में और भी बातें हैं वो ये है कि संकल्प पत्र जो जारी हुआ है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 3 महत्वपूर्ण बिंदु में बातें हैं। युवाओं के संदर्भ में एक और बड़ी बात कही गई है कि उनको जो है अब समग्र रोजगार स्कीम के तहत दिया जाएगा, यानी कि हर घर में कम से कम एक जो है वो रोजगार जरूर दिया जाएगा। कविता पाटीदार जी हमारे साथ में, महिलाओं के संदर्भ में काफी सारी जो बड़ी बातें हैं, साथ में ये भी कहा गया कि हर लाडली जो बड़ी बातें हैं, साथ में ये भी कहा गया कि हर लाडली बहनों को पक्का मकान दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सरकार ने ही बहनों के बारे में सोचा है। हम सब जानते हैं बेटियों का जन्म उत्सव बनाने का काम जो किया है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बेटियों और बहनों को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में किया है और अब माननीय मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर हमको नेतृत्व करने का भी अवसर दिया है। निश्चित ही संकल्प पत्र में ये सारी बातें अक्षरशः भारतीय जनता पार्टी पालन करेगी, हम जानते हैं।
एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात हम देख रहे हैं वो किसानों को लेकर है। अगर हम देखें तो MSP और समर्थन मूल्य के साथ एक्स्ट्रा बोनस, ये दो अलग बातें जो है इस संकल्प पत्र में शामिल की गई है। देखिए, किसानों के हित में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ही चिंता की। हम सब जानते हैं किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि को मिलाकर 12,000 प्रति साल के हम उनको देने का काम करते हैं। कभी किसानों की चिंता दूसरी पार्टी ने अन्य दल ने नहीं की। पिछली बार कांग्रेस ने ही झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की थी और कोई कर्जा माफ करने का काम नहीं किया, बल्कि कृषि लाभ का धंधा कैसे बने इसकी अगर चिंता की तो माननीय मोदी जी ने और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, उनके नेतृत्व में आज किसान बहुत अग्रसर है और सिंचाई परियोजना और इन सब के माध्यम से किसानों को बहुत लाभ मिला है। तो देखिए, ये कविता पाटीदार जी थी जिनसे हम बात कर रहे थे, लेकिन हम तमाम उन केंद्रीय मंत्रियों से भी इस संदर्भ में अभी चर्चा करते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हम लगातार जिन बिंदुओं की बात कर रहे हैं उनको अगर हम देखते हैं तो मैं एक बार फिर जैसा कि बता रहा था, लेकिन इसके अंतर्गत एक और जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है शासकीय कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ बड़ी घोषणाओं को समाहित करने की बात यहाँ पर हो रही थी, लेकिन वो उस तरह की तस्वीर वहाँ पर नजर नहीं आई है। लेकिन इस बीच में प्रहलाद पटेल जी क्या कह रहे हैं उनको यहाँ पर सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संकल्प पत्र के संदर्भ में लगातार हमने जैसा कि कहा था कि जो तस्वीरें आई हैं वो निश्चित रूप से थोड़ी सी अलग आई हैं, और जिस तरह की उम्मीद थी उसमें कितना संकल्प पत्र ने उसको पूरा किया है, कितना सहयोग संकल्प पत्र के संदर्भ में मिला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी तो बता दें आपको, जो लगातार बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। सर, 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 देखिए, तो देखा आपने लगातार जो है बीजेपी के तमाम मंत्रियों से बात करने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ संकल्प पत्र के जरिए जनता को संदेश देना चाहती है बीजेपी। जी अनुराग, अधिकांश कह रहे हैं क्योंकि वो अभी संकल्प पत्र को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बात वैसी नहीं हो रही है। जैसे हम चलता पटदार से बात की उपलब्ध की योजना के संदर्भ में बात करने लगी, योजनाओं के संदर्भ में बात करने लगी, संकल्प पत्र के संदर्भ में लगभग यही स्थिति प्रहलाद पटेल के साथ भी है। और निश्चित रूप से तमाम बड़े नेता पहले इस संकल्प पत्र के संदर्भ में स्टडी की बात कर रहे हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन बड़ी बात यह है इस संकल्प पत्र के संबंध में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही कि हमने अभी तक की जो कहा है वो किया है। अगर हम बात करें, अलग अलग शहरों को अलग अलग तरीके से फोकस किया गया है। जबलपुर में जो है मेट्रो की बात कही गई है, ग्वालियर में मेट्रो की बात कही गई है, रीवा और सिंगरौली में एयरपोर्ट की बात कही गई है। तो हम देखेंगे कि महानगरी जो युवा हैं या महानगरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने की बात कही गई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करने के संदर्भ में अभी तक के उतने बिंदु सामने नहीं आए, खासतौर पर जेपी नड्डा के संबोधन में बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने कहा था। लेकिन किसानों के संदर्भ में तीन महत्वपूर्ण बातें कही गई है जो हम बार बार कह रहे हैं कि महिलाएं, किसान और युवाओं पर फोकस करने की बात की गई है। हर घर में एक रोजगार देने की बात कही है, हर लाड़ी बहना को एक मकान देने की बात कही है, और किसानों को MSP के साथ साथ एक्स्ट्रा बोनस की बात कही गई है। ये तमाम बिंदु हैं जिनका जिक्र जेपी नड्डा करते आए हैं, हालांकि अभी स्टडी करना होगा। पर इस संकल्प पत्र की जो बड़ी बात है वो यही है कि इस संकल्प पत्र को एक अपडेशन के रूप में भी देखा जा रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के। जी, अगर बात की जाए यहाँ पर सीएम शिवराज ने यह भी कहा है, अगर बात अनुराग करें कि जो कांग्रेस को परंपरा का ज्ञान नहीं है, यानी कि घोषणा पत्र कैसे लाना है, किस वर्ग को लाना है, इन सब चीजों से नदारद था। लेकिन बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वह है हर वर्ग के लिए लाभदायक है, रोजगार की बात कही गई है, जैसे कि आपने कहा एयरपोर्ट की बात की गई है, मेट्रो की बात कही गई है। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है, बीजेपी का घोषणा पत्र कितना भारी पड़ेगा अनुराग आने वाले चुनाव में? देखिए, जो सीएम शिवराज ने कहा था वो दरअसल नरक चौदस के संदर्भ में कही थी बात, कि नरक चौदस को जब लाया तो कांग्रेस ने कमेंट था, तो सीएम शिवराज ये कहते हैं कि आज इसलिए लाया गया क्योंकि आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। लेकिन यहां हम देखें, पहले किसानों के संदर्भ में इस संकल्प पत्र की बात करें तो MSP पर बोनस की व्यवस्था की गई और 2300 प्रति क्विंटल की गेहूं की खरीदी पे इस बार जो है 1300 रुपए के बोनस की बात कही गई है। 12,000 रुपए किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता का जो है किसानों के संदर्भ में बात की गई है। शिक्षा के संदर्भ में एक पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को
पूरी तरह से शिक्षा मुफ्त शिक्षा देने की बात यहाँ पर की गई है। मिड डे मील में जो है अब सप्लीमेंट्स देने की बात जो है या उसका दावा यहाँ पर नजर आ रहा है। हर संभाग में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है खोलने की बात इस संकल्प पत्र में कही गई। अगर शिक्षा की बात करें लेकिन अलग हट के बात करते हैं लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए, तो पहले कारीगरों को 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता की बात की गई थी, लेकिन इसके साथ साथ अब 500 रुपए का दैनिक भुगतान करने का घोषणा यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार करते नजर आ रही है। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 5 लाख रुपए से ज्यादा की व्यय वाले खर्चों को प्रदेश सरकार ही उठाएगी, और किसी भी परिवार का हो अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर बात आती है, इलाज के संदर्भ में बात आती है। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात जो है यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में कही गई है घोषणा पत्र के। मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि की बात भी। बिल्कुल अनुराग जी, आप लगातार हमारे साथ जो बने रहेगा, और इसी कड़ी में जो है लगातार हम बात कर रहे हैं, बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर दिया है, घोषणा पत्र जारी कर दिया, उसी कड़ी में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। रमेश शर्मा जी बहुत स्वागत है 24/7 में। रमेश शर्मा जी, कैसे देखते हैं कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो है 17 अक्टूबर को जारी कर दिया था और बीजेपी महज चुनाव से 7 दिन पहले अपना संकल्प पत्र लिखकर आई है, कितना क्या कुछ पिटारा है संकल्प पत्र में नजर आता है आने वाले चुनाव में जनता के लिए, जनता का रुख जो है किस तरफ जाएगा, कांग्रेस के घोषणा पत्र ज्यादा लुभावना है या बीजेपी का? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ज्यादा लुभावना लग रहा है, लेकिन एक अंतर इसमें दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत समय रहते इसकी घोषणा कर दी थी, अपना संकल्प पत्र वचन पत्र कांग्रेस वाले ले आए थे, भाजपा लाने में देर हुई, लेकिन इनकी जो 3-4 बातें हैं, मोटे तौर पर ये माना जा रहा था कि इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं रोजगार पर ज्यादा लड़ा जाने वाला है और किसानों पर ज्यादा लड़ा जाने वाला है। तो किसानों को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने गेहूं खरीदी 2600 रुपया और 2500 रुपया उन्होंने धान खरीदी दिया था 2500-2600, इसको बढ़ा करके भाजपा ने 3100 में धान और 2700 में गेहूं खरीदी, यानी उनसे कहीं ना कहीं एक कदम आगे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखेंगे आदिवासियों को, क्योंकि तेंदू पत्ता का संग्रहण अधिकांश आदिवासी ही करते हैं, वो उन्होंने 4,000 मानक बोरा, तो एक प्रकार से आदिवासी वोटों में भी सेंध है और किसानों में भी सेंध है, क्योंकि कई बार एक कहावत है कि दूध का जला छाछ फूंक करके पीछा पीता है। पिछली बार कांग्रेस को जो किसान ऋण मुक्ति का लाभ मिला था, तो उसके लिए भाजपा ने इस बार एक कदम आगे वो दाम बढ़ाए हैं। इसके अलावा दूसरी और जो 2-3 बड़ी उन्होंने घोषणा की है, सीएम राइज स्कूल बढ़ाने की उन्होंने घोषणा की है, 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो उन्होंने फ्री देने की घोषणा की है, एम्स स्तर के स्कूल उन्होंने बढ़ाने की घोषणा की है, और हर ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज खोलने की, क्योंकि चिकित्सा की जो आप कमी देख रहे हैं हर ब्लॉक में उन्होंने वो खोलने की घोषणा की है। तो ये जो कुछ उनकी घोषणाएं हैं, फिर एक और बात अगर आपने देखा होगा आज के वचन पत्र से या घोषणा पत्र से, एक बात क्लियर है कि भाजपा धीरे से इस चुनाव प्रचार को विकास कार्यों की ओर मोड़ना चाहती है। आपने अगर आज की बैठक देखी होगी, संकल्प पत्र घोषणा के लिए नड्डा जी जब आए थे तो लगभग 1 घंटा बीडी शर्मा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रहलाद पटेल जी ने, इन सारे लोगों ने विकास की बातचीत की है। खुद नड्डा जी ने भी घोषणा पत्र जो नए संकल्प बताने से पहले क्या मध्य प्रदेश में हुआ है, कितनी इकोनॉमी बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है, रोड कितने बड़े हैं, तो मेट्रो कितनी बढ़ी है, इन सब पर उन्होंने जोर दिया, और जोर दे करके फिर उन्होंने कहा कि दो तो उन्होंने नए मेट्रो की उन्होंने घोषणा की है, ग्वालियर में और जबलपुर में मेट्रो की घोषणा की है। तो कुल मिलाकर के भाजपा अब विकास की ओर आएगी। तो फिर जो सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जो बात करती थी, कांग्रेस 2-3 मुद्दों पर बात करती थी, एक महंगाई पर बात करती थी और बेरोजगारी पर बात करती थी, इस घोषणा पत्र में हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अलावा अगर आपने आज का नड्डा जी का भाषण सुना होगा, उनका एक वाक्य और बहुत महत्वपूर्ण था कि उन्होंने जब अपने पिछले बार के कामों को गिनाया और कामों को गिना करके उन्होंने वो काम भी गिनाए जो सरकार ने किए हैं और संकल्प पत्र में पिछले साल के में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं जो संकल्प करते हैं उससे एक कदम आगे काम करते हैं। तीसरा जो उन्होंने एक काम और सावधानी बरती है, उन्होंने अगर आपने देखा होगा हर नेता ने, नड्डा जी ने भी, बीडी शर्मा जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी, प्रहलाद पटेल जी ने भी, इन सारे लोगों ने मोदी जी का नाम लिया, और आज अगर बैनर के पीछे भी देखेंगे तो वहां पर काम की गारंटी पर मोदी जी का नाम लिखा हुआ था। तो स्वाभाविक है
भाजपा एक इस रणनीति पर भी काम कर रही है, किसी और का चेहरा नहीं, चेहरा सिंगल हो और वो मोदी जी का हो और चुनाव हम लड़े वो केवल विकास और विकास के बात पर लड़े, ये आज की बात से स्पष्ट है। और इनकी घोषणाएं कांग्रेस की लगभग हर घोषणा से एक कदम आगे इसमें दिख रही है, तो इस मामले में तो उन्होंने कांग्रेस को पीछे छोड़ा है। लेकिन इसमें समस्या यही है, इसको संकल्प पत्र लाने में इन्होंने देर की है, अब 3-4 दिन प्रचार के बचे हैं, 15 तारीख को सारा प्रचार खत्म हो ही जाना है, अब 2-3 दिन में कैसे इसको जनता तक ले जाएंगे एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल शर्मा जी, और शर्मा जी आप हमारे साथ बने रहेगा और इसी कड़ी में रुक करेंगे बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी बहुत स्वागत है 24/7 में, कैसे देखते हैं देर आए लेकिन दुरुस्त आए, एक हफ्ते पहले महाचुनाव के पहले आप अपना संकल्प पत्र लेकर आए हैं, कैसे देखते हैं संकल्प पत्र को चतुर्वेदी जी? लास्ट में क्या 13 ऑर्डर नंबर, पंकज जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है पंकज जी से। तो बीजेपी ने जो है अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया जिसमें लोक लुभावन वादे किए गए हैं, कि इसमें सबसे बड़ी बात यह संकल्प पत्र में कि एक परिवार के व्यक्ति को एक रोजगार दिया जाएगा। बार बार कांग्रेस कहती रही है रोजगार के मुद्दे को लेकर उठाती रही है, लेकिन बीजेपी ने जो है अपने संकल्प पत्र में एक बड़ा वादा जनता से किया है कि अगर उनकी सरकार आती है और कांग्रेस के पूर्व सांसद जो है प्रताप भानु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। सर कैसे देखते हैं बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, एक परिवार एक रोजगार का वादा किया गया है, तमाम जो पिटारा यहां पर लाया गया जनता के लिए, कैसे देखते हैं संकल्प पत्र को? आपने खुद ही कह दिया पिटारा, मैं कह रहा हूँ झूठ का पिटारा। और जो उन्होंने किया नहीं 18 साल में 19 साल में, अब वो संकल्प पत्र के माध्यम से झूठे वादों की घोषणाएं करना चाहते हैं या करी है, यही इसके जनता को विश्वास कैसे हो सकता है? हर घर को रोजगार देने किसने रोका था जो आज ये वायदा कर रहे हैं? आज 40 लाख लोग मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और करीब 1 करोड़ लोग तो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, 1.5 करोड़ के करीब बेरोजगार मध्य प्रदेश में है, कैसे देंगे? असंभव है। और 18-19 साल में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, किसने रोका था? सर आपके कहने पे ही तो आपकी बातों को तो उन्होंने अमल में किया है ना, कांग्रेस बार बार कहती थी प्रदेश में बेरोजगारी है बेरोजगारी है, अब उन्होंने एक परिवार एक रोजगार की बात कही, अब इसमें क्या गलत है सर? इसमें सब गलत है क्योंकि उन्होंने किया नहीं है, इनका चाल चरे चार चरित्र चरे तीनों उजागर हो गए, एक्सपोज हो गए। इन्होंने 2-3 लाख सरकारी कर्मचारियों के पद भरे, क्यों नहीं भरे? हमें पूछने का अधिकार है। इन्होंने वचन पत्र दे दिया, संकल्प पत्र दे दिया, कुछ भी दे दिया हो, ये सवाल खड़ा है जनता के सामने कि 40 लाख बेरोजगार कैसे रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश में, 3 लाख। लेकिन सर अब उन्होंने घोषणा पत्र ला दिया, संकल्प पत्र ला दिया, रोजगार की बात कही जा रही है, एक परिवार के रोजगार की बात कही जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि इस घोषणा पत्र से संकल्प पत्र से कांग्रेस को नुकसान हो आगे आने वाले चुनाव में? सर बिल्कुल नहीं है, वो समय निकल ये एन मौके पे 3-4 दिन पहले रिलीज कर रहे हैं, समय कहाँ है, जनता भरोसा बिल्कुल नहीं करेगी। और ये दिखाने की चीज है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। यदि करनी होती ऐसी जैसा उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है तो ये पहले दिन ही चुनाव घोषणाओं के साथ घोषित कर देते, परंतु उन्हें मालूम है कि रोजगार के नाम पर सिर्फ इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट किया है, कर्जा लिया है लोगों से, बैंकों से। आज 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया मध्य प्रदेश में, लोगों को रोजगार नहीं मिला। मध्य प्रदेश में 3 लाख वैकेंसियां पड़ी हैं सरकारी नौकरियों की, इसमें क्यों नहीं दिया? बिल्कुल सर जवाब ले लेते हैं, सर जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि झूठ का पिटारा है आपका संकल्प पत्र, कितनी सच्चाई है? झूठ पार्टी का काम झूठ बोलने का है, जो झूठ पार्टी लूट पार्टी पार्टी है वही इसको झूठ बताते हैं, ये झूठ है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति 1,40,000 को हम डबल करेंगे, केजी से अभी तक शिक्षा निशुल्क करेंगे, 2700 रूपए गेहूं का MSP, 3100 रूपए चावल का MSP, मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या को बढ़ाएंगे, 5 लाख आयुष्मान की बात नहीं कर रहे, आयुष्मान के अलावा यदि अतिरिक्त खर्चा तो राज्य सरकार वहन करेगी, 3 लाख करोड़ रूपए जनजाति वर्ग के लिए, तेंदू पत्ता के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए,
हर संभाग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलेंगे। और ये कह रहे हैं झूठ, असल में जो क्या होता है, एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जिनकी भाव और भावना झूठ की है। और ऐसा हम नहीं कहते, इनके मित्र श्रीमान अखिलेश यादव जी गवंडिया गठबंधन का हिस्सा, उन्होंने इनको कहा कि लूट पार्टी झूठ पार्टी है, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। कितने क्या स्थिति थी 2003 में मध्य प्रदेश की, 5 मेडिकल कॉलेज, 8 सीटें, 2000 नई सीटें बढ़ाने वाले हैं इस मध्य प्रदेश में। किसान कल्याण इनको बुरा लगता है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बुरी लगती है, मध्य प्रदेश का संचित क्षेत्र बढ़ा हुआ बुरा लगता है, मध्य प्रदेश का विकास बुरा लगता है, मध्य प्रदेश की तरक्की बुरी लगती है। हम गेहूं में, चने में, उपार्जन में नंबर वन है, सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ा है, उसको और बढ़ाने की तैयारी है। तो जिन योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं, उन योजनाओं पर कांग्रेस को आपत्ति, मैं मानता हूँ कि राजनीति होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, पर यदि विषय यदि मध्य प्रदेश के विकास का हो, लोक कल्याण का हो, जन कल्याण का हो, तो उस पर कैसी राजनीति। आज यदि मध्य प्रदेश, पंकज जी कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस बार बार कहती आ रही थी कि बेरोजगारी बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश में, तो आपने कांग्रेस के बेरोजगारी के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में ला दिया, लेकिन इसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे सर? एक परिवार एक रोजगार की बात कर रहे हैं पंकज जी आप। देखिए, दो तरीके हैं हर परिवार को रोजगार देने के। पहला तरीका सरकार का रोजगार, दूसरा तरीका स्वरोजगार के अवसर। और भारत सरकार की मुद्रा योजना है, मुख्यमंत्री जी की योजना है, सरकार की बैंक गारंटी की विशेष योजना है, ये सारी योजना है। और आज मध्य प्रदेश के 8 करोड़ परिवार में से जो परिवार बेरोजगार है, हर परिवार को एक रोजगार माध्यम, या तो नौकरी या स्वरोजगार, और इसको साकार कर। देखिए मित्र, दो आपके पास विकल्प है। पहला विकल्प एक ये कि जो 15 महीने सरकार में आए 15 साल के बाद, और उन्होंने कहा कि हमारा खजाना खाली है, हम किसान की कर्ज माफी नहीं कर सकते, हम 4000 बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते, हम 1 लाख नौकरी नहीं दे सकते, हम दूध पर बोनस नहीं दे सकते, हम पेट्रोल डीजल कम नहीं कर सकते, ये कमलनाथ जी बतौर मुख्यमंत्री कहते थे, खजाना खाली लोकप्रिय वाक्य था। और आज यदि मध्य प्रदेश के हर परिवार को रोजगार मिल रहा है, तो इस पे आपत्ति क्यों? पंकज जी, लेकिन रोजगार दे रहे हैं लेकिन कर्ज लेकर दे रहे हैं, ये कहां जायज है? कर्ज लेकर आप खजाना खाली है तब तो आप कर्ज ले रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। मध्य प्रदेश में 2003 में, हम तो कर्ज का आंकड़े की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 2003 में जितना मध्य प्रदेश का बजट था, कुल बजट का 31% कर्जा था। आज वो मध्य प्रदेश का 33,000 करोड़ का जो बजट, जिसपे 31% कर्जा था मध्य प्रदेश पर, वो 33,000 करोड़ का बजट बढ़कर होगा 15,00,000 करोड़ का बजट। यानी कितना अनुपात बढ़ा, 33,000 करोड़ 15,00,000 करोड़, और उसका जो कर्जा है घटकर 5% कम हो 26% कर्जा है मध्य प्रदेश पर। पात्रता की सीमा के बजाय आप सोचिए कि बजट का आकार बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, मध्य प्रदेश की संपन्नता आत्मनिर्भरता बढ़ी, और जो कर्जा था मध्य प्रदेश का वो 5% कम हुआ है। हाँ। रिकॉर्ड में चेक करिए आप, 11,000 प्रति व्यक्ति आय का राज्य, 1,44,000 की आय देता हो, कर्जा जो जीएसडीपी का 31% होता था, बड़ी अर्थव्यवस्था के बाद भी कर्जा 5% कम है। मध्य प्रदेश की ओवरड्राफ्ट की स्थिति नहीं है मित्र, कांग्रेस के समान सरकार के वादे आप पूरा करने का नाप करने का विषय नहीं है कि हम तनखा ना बांट पाए। हिमाचल की जवाब लेते हैं पंकज जी, जवाब लेते हैं प्रताप भानु जी। यहां पर कहा जा रहा है कि कर्ज का बहाना लेकर जनता को सौगाते ना देना, जनता के हित में काम ना करना, 15 महीने की सरकार को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए पंकज जी की तरफ से, कितना सहमत हैं आप इनके आरोपों से? नहीं, बात सही होती तो सहमत हो जाते, पर यदि ये झूठ का पिटारा खोलने के लिए ही बैठे हैं डिबेट में, तो उनकी झूठी बातों का जवाब तो नहीं दिया जा सकता। ये तो सिर्फ इतना बता दें कि सरकारी महकमे में 2 लाख पद अभी तक क्यों नहीं भरे गए इन 18 सालों में, इसका क्या जवाब है? आज 1 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में क्यों बेरोजगार है, इसका क्या जवाब है? नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी 2014 में कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, टोटल 10 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार मिले हैं, उनके हिसाब से 18 करोड़ लोगों को या 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। रोजगार के नाम पर ये युवाओं को या छात्रों को कब तक छलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे? प्रताप भानु जी, जहां आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां का आपको नहीं दिखता है? छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव के पहले रोजगार भत्ता देना शुरू कर दिया है कांग्रेस सरकार ने, भूपेश सरकार ने, 5 साल में सरकार है, 5 साल से सरकार है, आखिर क्यों नहीं दिया 5 सालों से आपने बेरोजगारी भत्ता? सबसे कम बेरोजगारी है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपका चैनल छत्तीसगढ़ का है, आप ही के चैनल में हम सुनते हैं कि सबसे कम बेरोजगारी यदि कोई है तो वो छत्तीसगढ़ में है।
तब वो तो वहां तो जो आगे भविष्य में रोजगार निर्माण होंगे, नए लोग छात्र युवा निकलेंगे, वहां से पलायन ना करें, इसलिए उन्होंने वो योजना दी है। उसमें किसी को देखिए सर, चुनाव के 3 महीने पहले बेरोजगारी भत्ता देना, ये कहां तक आप जायज मानते हैं? जनता के हित में अगर काम करना है तो जब सरकार में आए थे तब से देना शुरू करते ना भत्ता, चूंकि आपका चुनावी वादा था वो। ये तो वैसा ही है जैसे लाडली बहना के लिए इन्होंने 1200-1250 देना शुरू किया, 18 साल में नहीं दिए मध्य प्रदेश। अच्छा, मतलब जो आपने किया वो कर रहे हैं, वो जो वो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे को। जनता के पंकज जी कितना सहमत है? छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है देश में, देश के आंकड़ों के हिसाब से कितना सहमत है इनकी बातों से? देखिए प्रताप भानु जी के प्रति पूरे आदर के साथ, छत्तीसगढ़ हो राजस्थान हो बेरोजगारी दर सर्वाधिक है। हम तो मध्य प्रदेश में वादा किया है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आए जो 1,40,000 रुपए उसको डबल करेंगे। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आए 2,21,000 होने वाली है, पर आपत्ति कैसी? मध्य प्रदेश में यदि गेहूं की खरीदी 2700 रुपए पर, धान की खरीदी 3100 रुपए पर, इस पर कैसी आपत्ति? मध्य प्रदेश के हर संभाग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इस पर कैसी आपत्ति? मध्य प्रदेश में यदि हर परिवार को रोजगार, उस पर कैसी आपत्ति? यदि मध्य प्रदेश में हर परिवार को 5,00,000 रुपए से अतिरिक्त यदि कोई गया आता आयुष्मान का तो उसको मदद सरकार करेगी, इस पर कैसी आपत्ति? और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी सरकार की बीजेपी की गारंटी है, जो कहा सो किया, देश में जो कहा सो किया, प्रदेश में जो कहा सो किया। लाडली बहना पर इनकी आपत्ति थी कि कैसे करेंगे, आज मध्य प्रदेश की 1 करोड़ लाडली बहना इसकी पात्र है, हर लाडली बहनों को अब आवास की सुविधा मिलेगी। लेकिन पंकज जी खामियां तो आप में भी है, चुनाव के टाइम पे आप रेवड़ी बांट रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना लेके आ रहे हैं, तमाम पिटारे लेके आ रहे हैं, तो आप 2020 से सरकार में तब आपको कुछ नजर नहीं आया। चलिए हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, बीजेपी कांग्रेस ने दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए, संकल्प पत्र जारी कर दिए हैं, दोनों का जो सौगात वादे हैं जनता से वो उन्होंने कर दिए हैं। आखिर क्या कुछ समराइज किया जाए कि 7 दिन बाद जो है 6 दिन बाद वोटिंग है, जनता किस वादे पे खरा उतरेगी, किस पर विश्वास करेगी? शर्मा जी देखिए मोटे तौर पर एक बात, जैसा कि हमने कई बार अपनी डिबेट में चर्चा की है कि इस बार दोनों ही पार्टियों में कॉम्पिटिशन है कि कौन कितनी अच्छी लोक लुभावन और मीठी बात जनता से कर सकता है। तो वो भाजपा का जो संकल्प पत्र आया है वो कहीं ना कहीं इससे पहले भाजपा ने जो नीतियां लागू की थी, लाडली बहना से लेकर के किसानों के जो कर्ज जो ब्याज मुक्ति को लेकर के या खाद बीज में राहत को लेकर के, तो उस पर जो उन्होंने बार किया था वो उन्होंने धान और गेहूं के समर्थन मूल्य पर किया था। तो कुल मिलाकर के ये जो बातें हैं दोनों की वो एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में आगे निकलने की बातें हैं। आज जो भाजपा का घोषणा पत्र है जी, इस घोषणा पत्र को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक घोषणा पत्र तो घोषणाएं वो है जो सरकार को लागू करना है, और एक दूसरी घोषणाएं वो है जिसमें कहीं ना कहीं जनता के मानस को बदलने की जरूरत है। तो जिसको सरकार को लागू करना है जिसमें 4-5 चीजें तो अनिवार्य रूप से मुझे होती हुई दिख रही हैं, जैसे अगर कांग्रेस भी सरकार में आ गई तो समर्थन मूल्य गेहूं और चावल का वो ही देंगे जो उनने घोषणा की है, भाजपा सरकार में आई तो यही घोषणा देंगे जो 2700-2100 दिया है, तेंदू पत्ता का संग्रहण का मूल्य भी 4,000 को देंगे, 6 जो नई मेट्रो लाइन है वो भी डल जाएंगी, और ये जो सारी के सारी घोषणाएं हैं ये लगभग इस पर अमल होगा और ये हो जाएंगे। लेकिन एक जो घोषणा जो इनकी है कि वो हर परिवार को 1 रोजगार, मोटे तौर पर इस पर जन भागीदारी की जरूरत है। रोजगार का अर्थ सरकारी नौकरी नहीं होता, जो कहीं ना कहीं एक वातावरण बन गया सरकारी नौकरियां, ये मैं कई वर्षों से हर चैनल पर कह रहा हूं सरकारी नौकरियां कम होने वाली हैं, इंसान का काम मशीन कर रही है। प्रताप भानु जी की पृष्ठभूमि खेती किसानी और गांव से भी है, एक जमाना था कि 20 लोग मिलकर के खेत काटते थे, अब एक मशीन है, एक ट्रैक्टर है, 20 खेत काट देती है। तो स्वरोजगार की तरफ नौजवानों को जाना पड़ेगा, उसके लिए इसमें ही मुझे थोड़ी सी शंका दिख रही है। बाकी भाजपा की आज की सारी घोषणाएं मुझे लग रहा है, खासतौर से वो लाडली बहनों को 1,00,000 को मकान देने की बात है, आयुष्मान कार्ड मुख्यमंत्री सहायता प्रधानमंत्री उसको जोड़ने की बात है, नल जल में भाजपा वालों ने ठीक काम किया है, सिंचाई योजनाओं में ठीक काम किया है, उसमें निरंतर वृद्धि होगी, वो सब चीज तो होगी। रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं जन जागरण की आवश्यकता है, और उसमें थोड़ा सा भाजपा को भी होमवर्क करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के दोनों के बीच कॉम्पिटिशन है, जो भी पार्टी जनता को अब समझाने में सफल हो जाएगी
उस पार्टी को इन घोषणा पत्रों का लाभ मिलेगा। हालांकि भाजपा अपना संकल्प पत्र थोड़ा देर से लाई है। जी प्रताप भारू जी, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी की प्रतिक्रिया भी आ गई है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी जनता को कैसे विश्वास दिलाएगी? विश्वास तो आपको दिलाना है, 15 महीने की सरकार आपकी थी, कर्ज माफी का वादा था, 1, 2, 3, 4, 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 महीने सरकार रही, ना कर्ज माफ हुआ ना मुख्यमंत्री बदला, तो जद्दोजहद तो आपको भी करनी पड़ेगी ना जनता के बीच में पहुंचकर। देखिए मिश्रा जी, आप सही बात बताइए जी, 15 महीने की सरकार, हमारी सरकार चुनी गई थी 5 बरस के लिए, पूरा बहुमत कांग्रेस को मिला था, बीजेपी 160 से घटकर 109 पे आ गए थे, जनता ने नकार दिया था, जनादेश कांग्रेस को और सहयोगी दलों को मिलकर 122 पे हुआ था। ये भ्रष्ट आचरण से और भ्रष्टाचार से बनी हुई सरकार को आप ये नहीं कह सकते कि जनादेश या जनता के समर्थन से बनी हुई सरकार थी। और आज जिस तरह का ये काम देने का या रोजगार का वायदा कर रहे हैं, इन्होंने इन 15 महीने में भी, इन 3.5 साल में भी कोई काम नहीं किया, कोई योजना ही नहीं लगी, इवेंट मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं किया। रमेश शर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, हर घर को एक रोजगार देने के लिए, ये जरूरी नहीं कि सभी सरकारी नौकरियों में ही जाए, स्वरोजगार निर्मित करने पड़ेंगे, प्रशिक्षण देने पड़ेगा, उन्हें उच्च शिक्षा देना पड़ेगी, तकनीकी शिक्षा देना पड़ेगी, उन्हें कृषि के क्षेत्र में जो जाना चाहे कृषि की शिक्षा देनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहे व्यवसाय में जाना, उसके कोई भी मास्टर प्लान, कोई भी योजना इस घोषणा पत्र में कहीं नहीं है, हवा हवा ही बातें, जैसे नरेंद्र मोदी ने कह दिया। प्रताप भानु जी, जवाब ले लेते हैं पंकज जी से, आपकी जो क्रिया उसकी प्रतिक्रिया लेते हैं। पंकज जी, हवा हवा ही है आपका संकल्प पत्र, जनता के बीच में कैसे इसको लागू करें, जनता और कैसे विश्वास करें आपके संकल्प पत्र पर? अंकित जी, यहाँ पर प्रताप भानु जी ने कहा है कि आपका जो संकल्प पत्र है वो हवा हवाई है, जनता के बीच में कोई प्रभावी नहीं होगा, ना जनता विश्वास करेगी, कैसे आप जनता तक पहुंचेंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी पंकज जी, आ रही है आपकी आवाज, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, मैंने आपसे आग्रह किया कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की मोदी की गारंटी है, ये कांग्रेस पार्टी की विश्वासघात की गारंटी नहीं है, ये छल कपट और भ्रष्टाचार की गारंटी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण, उत्थान, प्रगति की गारंटी है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, जो किया, मैंने तो उदाहरण रखा, क्या यदि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय हम डबल करने की बात करते हो, मध्य प्रदेश के प्रत्येक संभाग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हो, मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं को यदि आवाज देने की बात करते हो, मध्य प्रदेश में यदि गरीब को 5 लाख से अधिक यदि उपचार की आवश्यकता हो सरकार देने की बात करती हो, और ये करके दिखाते हैं हम, कोई एक वचन की बताइए हमने जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का उसकी अपूर्णता हो। कांग्रेस का वचन पत्र धोखा, भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प पत्र यानी संकल्प, और संकल्प हमने पूर्ण किया, करके दिखाया, 18 साल से सेवा का अवसर मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जैसा कहा किया, और किस पैमाने पर चलिए ना, प्रगति के विषय पर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर, क्या औद्योगिक विकास दर थी मध्य प्रदेश की -1% नीचे, औद्योगिक विकास दर 24% की विकास दर, 16% ब्याज लगता था किसानों के लिए, 0% ब्याज पर ऋण मिल रहा है, 2 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान मध्य प्रदेश के अन्नदाता को हमने पिछले वित्तीय वर्ष में किया है, किसान सम्मान निधि 12,000 की मध्य प्रदेश के अन्नदाता को, 14 लाख किसान, 12 लाख किसान परिवारों पर 2200 करोड़ का ब्याज का डिफॉल्टर था इनकी झूठी कर्ज माफी के चलते, उनका ब्याज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भरा। तो आज मध्य प्रदेश ने जिस बीमारू से विकसित की यात्रा तक का जो पूर्ण किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सेवा काल की, भारतीय जनता पार्टी की डिलीवरी की, डायलॉग नहीं है खाली, डिलीवर किया है, जो 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 डिक्लेयर किया वो डिलीवर किया। पंकज जी, हमारे साथ जो है जबलपुर से हमारे संवाददाता जो सहयोगी है संजय साहू जुड़ गए हैं, जो कि जनता से आप जानते हैं कि आपका जो संकल्प पत्र वो जनता के बीच में कैसा संदेश लेके जा रहा है, जनता कितनी प्रभावित संकल्प पत्र को लेकर। संजय, क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, ये संकल्प पत्र कितना कारगर होगा आम जनमानस के लिए? जबलपुर की तो संकल्प पत्र का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है उसका इंतजार तो था, और वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि संकल्प पत्र जो है वो घोषित हो चुका है। अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कुछ चीजें यहाँ पर मिली हैं, जैसे मेट्रो की बात की जा रही है कि मेट्रो ट्रेन जो है वो जबलपुर को मिलेगी, साथ में 3,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें और बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा, ये तमाम प्रकार की चीजें जानने का प्रयास करेंगे। जी भी संकल्प पत्र आ चुका है भाजपा का, आपने कांग्रेस का भी देखा, किस प्रकार से सोचते हैं इसको?
अभी संकल्प पर मैं पढ़ ही रहा था, कुछ चीजें मैंने देखी हैं उसमें, जैसे कटनी जबलपुर और सतना रीवा के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का है और 3000 इलेक्ट्रॉनिक बसें बनेंगी, मेट्रो ट्रेन को की शुभारंभ की जाएगी, इस तरीके से कई चीज है। उद्योग के क्षेत्र में भी कई बड़ी कंपनियों के यहाँ पे आने की और इन्वेस्टर मीट बड़े स्तर पर की जाए, इस तरीके की योजनाएं कुछ लिखी गई हैं, तो इससे काफी कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अब ये देखना है कि कितना पड़ेगा पूर्ण रूप से। अभी और मैं पढ़ता हूँ तो आपको और भी जानकारी दे सकता हूँ। निश्चित ही जो घोषणा पत्र आया है, संकल्प पत्र जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, आपने भी देखा होगा, किस प्रकार से लगता है आपको, क्या लगता है कब तक हो पाएगा ये सारी चीजें, हो पाएंगी या नहीं? देखिए विस्तार से तो मैंने देखा नहीं है, जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे लगी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे जो काम होगा वही जो है आगे चल के मायने रखेगा जनता के लिए। और बाकी जो कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे मेट्रो जबलपुर में चलाने की बात हुई है, इसके अलावा अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक बसेस की बात हो रही है, रिंग रोड का काम हो रहा है, तो ये सारी चीजों से जबलपुर का विकास होगा और जबलपुर एक कहना चाहिए विकसित शहर बनेगा, एक मेट्रो बनेगा, उसका विकसित शहर बनेगा। एक बात और संकल्प पत्र में कही गई है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। बीपीएल परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, इस पर एक प्रश्न ये लगता है कि जो जितना पढ़ा लिखा हो उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर बार मध्य दर्जे के जो लोग रहते हैं उनके वो काफी निराशजनक अपने को महसूस करते हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, उनसे ज्यादा पढ़ने के बाद वो जो स्थान रहता है वो और कोई निम्न वर्ग की वजह से चला जाता है, तो ये भेदभाव नहीं होना। संजय, बिल्कुल अलग अलग लोगों की अलग अलग राय और प्रतिक्रिया आ रही है। पंकज जी, जनता की आपने बात सुनी है, जनता कह रही है कि अगर शिक्षा की बात यहाँ पर कही गई, हालांकि आपके मैनिफेस्टो में 1 से 12वीं तक की जो फ्री शिक्षा का वादा किया गया है, लेकिन यहाँ पर नौकरी रोजगार की जो बात कही है वहां पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है, बीपीएल परिवारों को सिर्फ क्यों, आखिर अन्य वर्ग में भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे शिक्षा का मापदंड बताया जा रहा है जनता के द्वारा, कैसे देखते हैं जनता की राय को? देखिए दोस्त, मध्य प्रदेश के हर परिवार को एक रोजगार, और रोजगार या तो नौकरी या स्वरोजगार, दो विकल्प के माध्यम से सरकार काम करेगी, तो सबको मध्य प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करे, ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, और जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती है उनकी पूर्ति करती आएंगी। 18 साल का मध्य प्रदेश का इतिहास, 9 साल का भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मोदी सरकार का, इसलिए हमने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी है, भाजपा पर भरोसा, आम जनता की कृपा हमारे साथ है, और जो कहा जो किया अब तक का, आप तो ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना मध्य प्रदेश का, क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की, 5 मेडिकल कॉलेज होते थे 2003 तक, आज 30 मेडिकल कॉलेज है, उनकी सीटें बढ़ाई जा रही है। आप देखिए, आप स्वास्थ्य की बातचीत कर रहे हैं, यदि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति को आयुष्मान की 5 लाख की पात्रता है, पर यदि 5 लाख से अधिक की आवश्यकता है तो राज्य सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। मध्य प्रदेश की यदि लाडली बेटियों को 1,32,1.32 करोड़ लाडली बेटियां हैं, उन बेटियों को, लाडली बहनाओं को, जो हमारी लाडली बहना है उनको आवास की पात्रता है जी, 2700 रुपए गेहूं की MSP, 3100 रुपए चावल की MSP, तेंदुपत्ता 4000 रुपए प्रति बोरा, ये सब मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। देखना होगा कितना योगदान है आपका मैनिफेस्टो, जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कारगर साबित होगा। और प्रतिक्रिया लेंगे प्रताप भानु शर्मा जी से। प्रताप भानु जी, आपने यहाँ पे जनता को सुना, पंकज चतुर्वेदी जी को भी सुना, इनका जो रोजगार देने का वादा है, क्या लगता है वास्तव में जनता को रोजगार दे पाएंगे, कैसे देखते हैं इनके पूरे इस वादे को, रोजगार के वादे को? देखिए मिश्रा जी, ये हमारे पंकज चतुर्वेदी बहुत ही समझदार विद्वान व्यक्ति हैं, परंतु इस समय जो इनकी बात कहने के लिए मोदी की गारंटी बात दोहराए जा रहे हैं, एक ही बात की रट लगाए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मोदी ने जो वायदा देश के लोगों से किया था, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, इन 10 सालों में नहीं मिला। उनने कहा था हर एक के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनने कहा था बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल करके अच्छे दिन आएंगे, दुगने हो गए हर चीज के भाव, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, शक्कर, चाय की पत्ती, दालें, किस चीज का हम वर्णन नहीं करें।
उसमें मोदी की गारंटी का सवाल ही नहीं उठता। मोदी पे से जनता का विश्वास उठ गया है। उनने कहा था 400 लाख करोड़ का काला धन हम वापस लाएंगे, नहीं लेकर आ पाए। लोगों से कहा था किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, वो भी नहीं कर पाए। सिर्फ 10 लाख 10 साल में नौकरियां मिली है, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। ऐसा धोखा, इतना बड़ा धोखा नौजवानों के साथ जो मोदी ने वादों किया है, उसी लाइन पे ही मध्य प्रदेश में इन्होंने वचन पत्र निकाला है, संकल्प पत्र निकाला है, तो जनता के सामने इनका चेहरा उजागर हो गया है। कोई भरोसेमंद बात नहीं है, झूठ का पुलिंदा है। और मोदी झूठ बोलो, 100 बार बोलो, जोर से बोलो, यदि उनका नेता का ये मंत्र है तो किस बात की गारंटी रह गई है? कोई विश्वास नहीं है हम लोगों का। चलिए रमेश शर्मा जी, अंत में संक्षेप में प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। दोनों पार्टियों ने अपना संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इस महंगाई के दौर में कौन सा घोषणा पत्र जनता के लिए कारगर साबित होगा, संजीवनी बूटी के तौर पर साबित होगा? संक्षेप में जवाब चाहूंगा शर्मा जी। देखिए, मोटे तौर पर आरोप प्रत्यारोप भी चलेंगे, एक दूसरे से लोक लुभावन बात भी चलेगी, और कहीं ना कहीं भाजपा की ये जो 2-3 घोषणाएं हैं, किसान के समर्थन मूल्य वाली भी है, एक परिवार को रोजगार वाली भी है, ये कहीं ना कहीं जनता में प्रभाव देगी। लेकिन ये उसी पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार ये जनता को कन्विंस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कांग्रेस ये कन्विंस करने में सफल हुई कि ये घोषणाएं रोजगार की ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उतना लाभ नहीं मिलेगा। चूंकि मोदी जी का नाम, चूंकि मोदी जी का भी चेहरा है, तो मोदी जी का नाम लेकर के भाजपा ने कहा है कि ये काम लागू जरूर होगा। अगर भाजपा ये साबित करने में कामयाब हो गई तो उसका लाभ उनको मिलेगा। कुल मिलाकर के इसके परिणाम दोनों ही पार्टियों के प्रचार अभियान पर और जनता को समझाने पर निर्भर करेगा कि किसको इसका लाभ मिलना चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल। तो लगातार जो है इस पर हम चर्चा कर रहे थे। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और लगातार जो है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए पंकज चतुर्वेदी जी आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही प्रताप भानु शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, और रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संजय साहू आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो है आपको बता रहे हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की पल पल अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद, और कांग्रेस का जो संकल्प पत्र है वो 17 अक्टूबर को जारी हो गया था, ऐसे में कौन सी पार्टी जनता के बीच में पहुंच पाएगी, जनता के दिलों में घर बना पाएगी, ये तो आगामी 17 नवंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा, और 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद स्थिति साफ होगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, आप बने रहिए 24/7 के साथ।